This video is sponsored by Iftikhar Honda Palace. Check description for more information. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू रोड एंड ट्रैक रिव्यूज़। मैं हूँ मारवान और आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ होंडा CD70 ड्रीम का, जो एक 70 CC कस्टमाइज बाइक है। चलो तो रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइट से। जो इसकी हेडलाइट है उसमें एक नॉर्मल बल्ब यूज़ किया गया है। इसकी हेडलाइट की ब्राइटनेस बहुत अच्छी है और इसके इंडिकेटर वही 70 CC वाले हैं। और इसके फ्रंट लुक की बात करें तो आम CD70 जो ज़ाहिर है बहुत अच्छी इसके फ्रंट लुक है। और इसके स्पीड मीटर की तरफ आए तो स्पीड मीटर भी इसका बहुत आम CD70 से बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं टॉप स्पीड वही है, ये आपको 80 से 85 तक टॉप स्पीड प्रोड्यूस करेगा। और इसके स्विच असेंबली में राइट तरफ आपको कुछ नहीं मिलता है एज यूजुअल, और लेफ्ट तरफ आपको वही ऑप्शन मिल जाते हैं, हेडलाइट ऑन ऑफ, हाई लो और इंडिकेटर लेफ्ट राइट और हॉर्न का। इसके टैंक की बात करें तो इसके टैंक में आप 8.6 लीटर तक पेट्रोल डाल सकते हैं। इसकी टैंक भी आम CD70 से काफ़ी चेंज है, इसकी सीट भी काफ़ी चेंज है उससे। और इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस 136 mm है। इसके शॉक्स भी चेंज हैं, क्रोम कलर के हैं इसके शॉक्स। और इसके जो इंजन वाले साइड टापा है, साइड कवर्स हैं, वो टापे भी कहते हैं, वो ब्लैक कलर के हैं। और चेन कवर भी आपको ब्लैक कलर का बन जाता है। बैक मड गार्ड इसका प्लास्टिक का है, हार्ड प्लास्टिक का है। बैक लाइट भी आप देख सकते हैं, एक प्लास्टिक की टेल है। और इसके अगर हम फ्रंट टायर्स की तरफ आएँ तो इसका फ्रंट टायर 2.25/19 का इसका फ्रंट टायर है। इसका बैक टायर 2.50/17 का इसका बैक टायर है। वेट इसका 82 kg है। और ओवरऑल लुक इसकी बहुत प्यारी है। इसके इंजन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इसकी 72 क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसका बोर 47.0 mm है और जो इसका स्ट्रोक है 41.4 mm है। और कार्बोरेटर बेस्ड ये बाइक है। इसके क्लच की बात करें तो मल्टी वेट टाइप इसका क्लच है। इसकी ट्रांसमिशन की बाहर 4 स्पीड इसके ट्रांसमिशन है जो कि सारे गियर आगे लगते हैं। इसके फ्रेम की बात करें तो इसका जो फ्रेम है वो बैकबोन टाइप है। और इसके ये किक स्टार्ट मॉडल, इसमें आपको सेल्फ स्टार्ट नहीं मिलता। और ये आपको तकरीबन 50 से 55-60 तक आपको एवरेज दे देगा। तो मुझे बताइएगा कि आपका मेरा रिव्यू कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।